أعوذ أعوذ بالله من الشيطان بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب الحمد لله رب العالمين. والحمد خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين.
فبأي रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नाज़रीन मुकर्रम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीरत रसूल और मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा। नाज़रीन मुकर्रम, रबी नूर शरीफ की आमद आमद है और इस खूबसूरत मौका पर DMH न्यूज़ आपके लिए लेके आया है एक खूबसूरत प्रोग्राम सीरत रसूल, जिसे आप हर जुमा और हर पीर शरीफ 4:05 पर देखा करेंगे। नाज़रीन मुकर्रम, आप हमारे फॉर्मेट से वाकिफ़ हो जाएं इंशाअल्लाह। पूरे पाकिस्तान से अजीम मजहबी स्कॉलर हमारे साथ हुआ करेंगे, आप लोगों के सवालात, उनके जवाबात, और इंशाअल्लाह हर दफ़ा एक नए मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करेंगे। हमारे साथ इंशाअल्लाह वतनी अजीज़ से बहुत खूबसूरत सना खान हमारे साथ हर प्रोग्राम में हुआ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके फरमाइशी कलाम भी इंशाअल्लाह आपको सुनाए जाएंगे। नाज़रीन मुकर्रम, यहाँ देखने के तो आपको 3 से 4 लोग नज़र आएंगे स्क्रीन पर, लेकिन पस पर्दा हमारी जितनी टीम काम कर रही है, ये खासा भी इन्हीं के हिस्से आता है कि आज के इस पुरफितन दौर में एक इस तरह का प्रोग्राम कि जिससे उम्मत की इस्लाह हो सके, रहनुमाई हो सके, ये DMH न्यूज़ लेके आया है। तो नाज़रीन मुकर्रम, आज हमारे साथ स्टूडियो में खूबसूरत सना खान मुस्तफ़ा मौजूद हैं, अजीम मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। उससे कबल नाज़रीन मुकर्रम, हमारे प्रोग्राम का नाम है सीरत रसूल अरबी। तो हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, दुनिया में कामयाब होना चाहता है, तो उसे सीरत रसूल अरबी इस पर मुताला करना चाहिए, हुजूर की सीरत को पढ़ना चाहिए। और इसमें और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मोहब्बत मुस्तफ़ा, तज़ीम मुस्तफ़ा। नाज़रीन मुकर्रम, ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह आज हम डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि रबी नूर शरीफ का महीना चल रहा है, तो इंशाअल्लाह हुजूर की विलादत के हवाले से भी आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ हम सुनाएंगे भी और इंशाअल्लाह बताएंगे भी। चलते हैं मेहमानों की तरफ। आज हमारे साथ बहुत खूबसूरत अजीम मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बिलाल रज़वी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, खुश आमदीद जी आपको प्रोग्राम में, और आपका शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर आज यहाँ बैठे हैं। इन्हीं के साथ हमारे साथ नन्हे मुन्ने सना खान, बहुत खूबसूरत हुजूर की नात पढ़ने वाले हाफिज़ अब्दुल्ला अतारी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? आपका भी शुक्रिया कि आप खूबसूरत अपने टाइम से वक्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। इसी के साथ इंशाल्लाह हर प्रोग्राम में तिलावत की सआदत इंशाल्लाह ताला हासिल करेंगे। खूबसूरत कारी कुरान भी हैं, खूबसूरत सना खान भी हैं। जब कुरान पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह दिल को सुकून मिलता है, और जब हुजूर की नात पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह ताला जो आपका जोश है, आपका जज्बा है, इंशाल्लाह ताला वो दुबाला कर देते हैं। खूबसूरत कारी कुरान है और फाजिल नौजवान हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद वक्कास अस्ती कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं हुजूर? तबीयत से ठीक है आपकी। आपका भी शुक्रिया हुजूर कि आप हमारे इस खूबसूरत टीम का हिस्सा बने हैं, और आज तिलावत की सआदत इन्होंने हासिल की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से। हमारी इस खूबसूरत ट्रांसमिशन जो है, हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, तो हम हुसूल बरकत के लिए कि बरकत भी हो जाए, और पहला दिन है नाशरीफ़ सुनते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ेंगे। मैं इल्तिमास करूँगा मोहम्मद अब्दुल्ला तारी इंशाल्लाह ताला हुजूर की बारगाह में अहदिया की दर पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह जी। इंसान है ये कुरान तो
दवा देना ले
माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, ये थे हाफिज़ अब्दुल्ला अतारी बहुत खूबसूरत अंदाज से हुज़ूर की बारगाह में अदाए अकीदत पेश फरमा रहे थे। नाज़रीन मुकर्रम, प्रोग्राम का नाम है सीरत रसूल। इसी हवाला से एक मिसरा पढ़ के इंशाल्लाह मुफ्ती साहब की तरफ सफ़र करते हैं कि अदा वालों अदाओं को अदाएँ कौन देता है, अदा वालों अदाओं को अदाएं कौन देता है, किसी दुश्मन को जीने की दुआएं कौन देता है, अदा वालों अदाओं को अदाएं कौन देता है, किसी दुश्मन को जीने की दुआएं कौन देता है, और ये उनका है करम नासिर वगरना है जहां वालों अदू को हौसले देकर कबाएं कौन देता है। नाज़रीन मुकर्रम, विलादत मुस्तफ़ा का महीना चल रहा है, कुछ लोग कहेंगे विलादत मनाएं, कुछ कहेंगे ना मनाएं, तो इंशाल्लाह इसी हवाले से मुफ्ती साहब की तरफ चलते हैं। मुफ्ती साहब, ये आपने बताना है कि विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाना कैसा है, और ये कुरान व अहदीस की रोशनी में आपने बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मैं अपने इस प्रोग्राम के मेज़बान हजरात का दिल की अथाह गिरहियों से शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपके इस चैनल को मज़ीद उरूज और तरक्की नसीब फरमाए। अल्लाह करीम इस माह मुक़दस के तुफ़ैल हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए। सामिन मोहतरम, विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक सवाल किया गया कि इसकी खुशी और इसका जश्न मनाना कैसा है। देखें, इस्लाम एक सच्चा और खरा दीन है। इसके अंदर इस्लाम ने क़यामत तक आने वाले एक एक चीज़ का उसूल बता दिया है कि कौन सी चीज़ जायज़ है और कौन सी चीज़ नाजायज़ है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह करीम फरमाता है, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया, लोगो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। जहाँ तक जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है, आप अगर कुरान मजीद बुरहान रशीद का मुताला फरमाएं, अल्लाह करीम ने मुतअद्दद अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की शानों को बयान फरमाया है। लेकिन जिस वक़्त अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की विलादत का ज़िक्र फरमाता है, उस वक़्त अल्लाह करीम ने एहसान को हमें याद दिलाया। फरमाया, लोगो मेरे तुम पर करोड़ा एहसान हैं, अगर तुम मुझ पर तुम अगर मेरी नेमतों का शुमार करना चाहो तो सदियां बीत जाएंगी, शुमार करने वाले थक जाएंगे, मगर अल्लाह की नेमतों का शुमार कभी नहीं हो सकता। कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह फरमाता है, वइन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। फरमाया, लोगो अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो अल्लाह की नेमतें कभी तुम शुमार नहीं कर सकते। फिर कुरान मजीद बुरहान रशीद ने चौथा सिपारा, अल्लाह करीम फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। फरमाया, लोगो अल्लाह ने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मालिक तूने हम पर इतने करोड़ा नेमतें अता फरमाई हैं, वो कौन सा ऐसा अमल है, ऐसा काम है कि जिस पर तू हमें एहसान जितला रहा है। मेरे रब ने फरमाया, लोगो मैं जो तुम्हें एहसान जितला रहा हूँ, मैं इतना बड़ी नेमत तुम्हें अता करने वाला हूँ, वो नेमत नेमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाया, जब तुम्हारे अंदर मैंने अपने प्यारे महबूब मबूस कर दिया है, फरमाया ये मेरा बहुत बड़ा एहसान है। जब अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हमें मैसर आई और अल्लाह ने हमें अता फरमाई, तो कुरान मजीद का तीसवा सिपारा है सूरह अलम नशरह में अल्लाह फरमाता है, वअम्मा बिनअमति रब्बिका फहद्दिथ। लोगो मेरी नेमतों का खूब चर्चा किया करो। और आप जानते हैं, जब किसी नेमत का चर्चा करना हो तो घर एक अलग रूम में बैठकर चर्चा नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका चर्चा एक लोगों में बताया जाए कि लोगों आओ हम तुम्हें बताएं कि अल्लाह ने कितना बड़ी नेमत अता फरमाई है, ये नेमत आम नहीं है,
ये वो नेमत उज़्मा है कि जिस नेमत के लिए अल्लाह के नबी भी रब से दुआएं मांगते रहे, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, अल्लाह के खलील जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करते हैं, मालिक हमारे अंदर अपना वो लाडला महबूब हमें भेज दे कि जिसकी वजह से दुनिया कायनात की बज़म सजी है। तो सामीन मोहतरम, जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तकाजा ये भी है कि हमें अपने पाक नबी की आमद की खुशी में इजहार मुसर्रत ज़रूर करना चाहिए, मगर ऐसे कभी आमाल जो शरीयत मुस्तफ़ा ने एक नापसंद किए हैं और नजायज़ और हराम करार दिया है। यकीनन हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि तुम विलादत मुस्तफ़ा की खुशी में आकर एक नजायज़ काम करो। बाकी जहाँ तक इसके जवाज़ और नजायज़ का ताल्लुक है, कुरान हदीस में मुतअद्दद रिवायत मौजूद हैं जिसमें हमें अल्लाह फरमाता है, लोगो जब मैं तुम पर अपना रहमत और अपना फ़ज़ल करूँ, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिक फ़लयफ़रहू, लोगो जब अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत तुम्हें मिले तो फ़लयफ़रहू, फरमाए तुम उसमें खुशी का इजहार ज़रूर करो। तो मैं आपको अर्ज़ करूँ, कायनात में मेरे नबी से बढ़ कर कौन सा फ़ज़ल है, मेरे नबी से बढ़ कर कौन सी रहमत है जिस नबी के सदक़े हम जैसे गुनहगारों को अल्लाह ने अपने अजाब से महफूज रखा हुआ है। और कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम वअंत फ़ीहिम, फरमाया लोगो अल्लाह की ये शान नहीं है कि तुम्हें अजाब दे, फरमाया अजाब देने की वजह ये है कि तुम्हारे अंदर मेरा महबूब मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना, ये पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ये तकाजा है। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं हमें उस नबी की आमद पर ज़रूर इजहार मसरत करना चाहिए, अल्लाह ताला को ये अमल बड़ा ही पसंद है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, बहुत खूबसूरत और बड़ी दलालाना गुफ्तगू फरमा रहे थे मुफ्ती साहब, और माशाल्लाह कुरान व हदीस की रोशनी में अपने इस सवाल पर हमारे नाज़रीन को जो है वो बताया है कि विलादत मुस्तफ़ा पर शरई तौर पर वो चीज़ें जो शरीयत मुस्तफ़ा से ना टकराती हों, गैर शरई काम नहीं करने, शरीयत की हद के अंदर रहकर हमें विलादत मुस्तफ़ा मनानी चाहिए। नाज़रीन मुकर्रम, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन मुकर्रम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीरत रसूल। एक दफ़ा फिर से खैर मुकदम है आपका इस खूबसूरत प्रोग्राम में सीरत रसूल में। नाज़रीन मुकर्रम, वक्फे से पहले बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे मुफ्ती साहब, और माशाल्लाह दिल नहीं कर रहा था कि आपको चुप करवाया जाए, लेकिन टाइम के तकाजों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। हमारे साथ बहुत खूबसूरत सनाखान मुस्तफ़ा मोहम्मद वकास कादरी साहब गगो मंडी से आप तशरीफ़ लाए हैं। इंशाल्लाह आपसे इल्तिमास करूँगा, आपसे नात भी सुनते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह तआला आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। बिस्मिल्लाह जी। मैं तो मालिक ही कहूँ
कादरी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज से कलाम आला हज़रत में सुना रहे थे और बड़ा हमें लुत्फ़ ले रहे थे। नाज़रीन मुकर्रम, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे नंदाल झिड़कियाँ खाएँ खां छोड़ के सदगा में कबान खाए, बस मेरे आका ने मुझे संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है, और तेरा एजाज तो कब काम हो जाता, या रसूलल्लाह तेरे दर के टुकड़ों में पान रखा। नाज़रीन मुकर्रम, बढ़ते हैं अपने स्कॉलर की जानिब और मुफ्ती साहब मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप कुछ रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरान मजीद बुरहान रशीद में मुतअद्दद मकामात पर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया है और बहुत सी मुतअद्दद आयात ऐसी हैं कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इंतहा का तकाज़ा अल्लाह चाहता है कि मेरे महबूब से ऐसी मिसाल कायम की जाए कि लोग मिसालें दें कि अगर मोहब्बत हो तो ऐसे हो जिस तरह के रसूलुल्लाह से रसूलुल्लाह के ग़ुलाम करते हैं। इस पर कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात, कुरान मजीद का पहला सिपारा है और पहले सिपारे के स्टार्ट में बिल्कुल उसमें सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की मोहब्बत का जिक्र अल्लाह ने फरमाया है। फरमाया कि वइज़ा क़ील लहुम आमिनु कमा आमना अन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमना सुफहा, कि जब इन मुशरिकीन मक्का से कहा जाता है ए मुशरिकीन मक्का तुम मेरे महबूब पर वैसा ईमान ले आओ जिस तरह के मेरे महबूब के ग़ुलाम ईमान ले आए, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ईमान ले आए, वो कहने लगे क़ालू अनुमिन, क्या हम ऐसे ईमान ले आएँ माज़ल्ला कमा आमन सुफहा, जैसे कि नबी के माज़ल्ला ये बेवकूफ़ सहाबा ईमान ले आएँ। तो अब ये सहाबा के बेवकूफ़ की वजह क्या थी? बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, हज़रत उरवा बिन मसूद अस्सख़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल हैं, आप काफिर थे, बाद में अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाया आपको। आप बारगाह मुस्तफ़ा में आए सफ़ीर की हैसियत से, देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे हैं। जिस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते हैं, मेरे नबी के जानिसार सहाबा एक कतरा भी वज़ू का पानी का एक कतरा भी नीचे नहीं गिरने देते और भाग भाग के वो पानी के कतरों को उठा उठा चेहरे पे मलते थे और अपने जिस्म पे मलते थे। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, कादू यक़्ततिलून अल-वुदूआ, फरमाया करीब था वो लड़ाई में कत्ल कर देते एक दूसरे को, और कहते थे भी जब तुमने सुबह के वक़्त पानी के ये कतरात लिए थे, अब तो जोहर के टाइम मेरी बारी है, और जोहर के टाइम तुमने
पानी के कतरे उठा के अपने जिस्म पर मले थे। भाइयों असर के टाइम तो मेरी बारी है, मेरे नबी के सहाबा ने अपने पाक नबी से जो इजहार मोहब्बत फरमाया है वो यकीनन एक ऐसा मोहब्बत का वो अजीम चश्मा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने फिर हज़रत उरवा बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वापस पलटते हैं, आप जाकर अपने बादशाहों से मुलाकात करते हैं और फरमाते हैं, लोगों दुनिया की हर ताकत से टक्कर ले लेना मगर अल्लाह की कसम है मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा के ग़ुलामों से कभी टक्कर ना लेना। पूछा गया, उरवा वो तो मुट्ठी भर लोग हैं, बड़े ही कलील तादाद में वो लोग हैं, आप कैसे कहते हो कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के ग़ुलामों से टक्कर नहीं लेना? तो उरवा बिन मसूद कहते हैं, अल्लाह की कसम है मैंने अपनी आँखों से देखा है मोहम्मद मुस्तफ़ा की महफिल का वो अजीम मंज़र था। कहा कि जब उनके नबी वज़ू फरमाते हैं तो एक कतरा भी वज़ू के पानी के नीचे नहीं गिरने देते। कहा कि अंदाज़ा लगाओ जो नबी के ग़ुलाम अपने पाक नबी के वज़ू का एक कतरा नीचे नहीं गिरने देते तो अपने पाक नबी की ज़ात पर कैसे आँच आने देंगे। कहा कि वो रसूलुल्लाह से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि लोग तकते और देखते रह जाते हैं कि मोहब्बत हो तो ऐसे सहाबा जैसी हो। फिर कुरान मजीद ने पहले सिपारे के आखिरी पेज पे कुरान मजीद में इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, फ़ैन आमनु बिमिथली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अल्लाह करीम ने हमें ईमान का मेयार दिया, फरमाया ए लोगो अगर तुम्हारा ईमान मेरे नबी के इन सहाबा जैसा होगा तो फ़क़द इहतदौ, तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। और बुखारी शरीफ में जिस तरह अब हम आपसे हुजूर की हदीस सुन रहे हैं, जी कुरान सुन रहे हैं, लेकिन जब आपने वो बात सुनाई कि सहाबा इकराम हुजूर के पानी का वुज़ू है, पानी का कतरा नीचे नहीं गिरने दे रहे, तो बंदे के जहन में ऑटोमेटिकली एक सवाल आता है कि वो ये कैसे हो सकता है, ये तो कैसे होगा, ये होगा। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को कि अगर बंदा आज के दौर में किसी स्कॉलर से, किसी हाफिज़ कुरान से, कारी कुरान से कुरान सुनता है, नात सुनता है, या कि अहदीस सुनता है, बंदे का ईमान एक दफ़ा जोश मारता है बंदे का ईमान। तो जिन्होंने अहदीस हुजूर के मुंह से सुनी, सुभान अल्लाह, की जुबान से सुनी हो, वो कैसे ना हुजूर की ज़ात पर अपनी जान कुर्बान। सुभान अल्लाह। मैं यहाँ एक बात अर्ज करूँ इसी से रिलेटेड, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला ये असीम सहाबी रसूल हैं, आप यहूदियों के बहुत बड़े आलम दीन थे। कुरबान जैन आप रसूलुल्लाह से मुनाज़रा करने आ रहे थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाज़रा करने आए और आपसे एक बहुत बड़े चैलेंज के साथ आए थे और कहा था कि मैं तो माशाल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा का जो नया दीन है मैं उसको बातिल ठहराऊँगा। कुरबान जाएँ जिस वक्त बारगह मुस्तफ़ा में अब्दुल्ला बिन सलाम आते हैं, यकीन फरमाएं अभी चेहरा मुस्तफ़ा ऐसे देखा ही था तो फरमाया अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह इन्नहु लैसा बिवजी कज़्ज़ाब। फरमाया लोगो मैं अल्लाह के एक होने की गवाही देता हूँ और मोहम्मद मुस्तफ़ा के सच्चे रसूल होने की गवाही देता हूँ का इन्नहु लैसा बिवजी कज़्ज़ाब। फरमाया अल्लाह की कसम है ये चेहरा मुस्तफ़ा किसी झूठे का नहीं हो सकता। और हज़रत अब्दुल्ला बिन बुरैदा ये सहाबी रसूल हैं, ये फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल इतना वो अजीम था, फरमाया सवा लाख सहाबा में से एक सहाबी में इतना मजाल न थी, ऐसे चेहरे मुस्तफ़ा को तकते रह जाते, तकते तो फौरन निगाहें नीचे झुका लेते थे और फरमाते थे ये अदब का मकाम है यहाँ निगाहें सामने रसूलुल्लाह के साथ मिलाकर, वो मकाम नहीं है जहाँ पर बंदा आमने सामने निगाहों में निगाहें मिलाकर बात करे। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जो रसूलुल्लाह से हदीसें सुनते थे, हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मेरे पाक नबी के सहाबा अपने पाक नबी से कितना प्यार करते थे। और फिर बुखारी शरीफ की इब्तदाई अहदीस में हदीस मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही व नास अजमाईन। फरमाया तुम में से उस वक़्त तक कोई शख्स अपना ईमान कामिल नहीं कर सकता जब तक सारी कायनात से बढ़कर रसूलुल्लाह से प्यार ना करे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़ से जो आपने बात की ना उसी से मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो सुना के मतलब देखते जाते हैं। आज़म चिश्ती आपकी बात की निशानदेही इस तरह करते हैं, तू मेरा महबूब नहीं डिठा। हाँ, कहते ना सहाबा इकराम हुजूर के चेहरे की तरफ एक झलक देख ही नहीं सकते थे, आपका हुस्न इस तरह था और फिर आपका हुस्न अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 70,000 पर्दों में छुपा कर रखा था, अगर जाहिर हो जाता तो फिर तो अल्लाह क्या शान होती। नज़रों का आज़म चिश्ती फरमाते हैं कि तू मेरा महबूब नहीं था,
कौन बयान सुनावे केड़ा ओथे गिनती दसे जिथे गिनती मुक जावे आजम डेडा सोना मारी संगत रे नजर बेशक सुभान अल्लाह पर वक्त वाला छोटा सा ब्रेक का मिलते हैं मिलते के बाद अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर से मकदम प्रोग्राम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में सब गुफ्तगू फरमा रहे थे। नाजरीन मुकर्रम, चलते हैं अपने सनातन की तरफ। हाफिज़ अब्दुल्ला तारी बेटे, कितने साल से नात खानी कर रहे हो? बचपन से शौक है। अच्छा, आपको माशाल्लाह बचपन से शौक है। ख़ानदान के अंदर कोई और नात खान किसी की तरफ से सपोर्ट हुई हो, किसी उस्ताद से सीखा हो? खुद ही नात खानी कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाब फरमाए। कौन सा कलाम सुना रहे हैं? आला हज़रत का कलाम। बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मदीने के थे खुदा तुझको रखे, मदीने के थे खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, मेरा दिल भी चमका दे हाफिज़ अब्दुल्ला खूबसूरत अंदाज से हुज़ूर की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे।
चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हुजूर की बारगाह में जो भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह वो चमक कर जाता है। बेशक अबू बकर आए सिद्दीक़, सुभान अल्लाह, हज़रत उमर आए फारूक़ आज़म बन गए। इस तरह जितने सहाबा हुजूर की बारगाह में आए तमाम के तमाम अल्लाह पाक ने इनको तो जन्नती करार दे दी। आज लोग कहते फिरे, आज लोगों ने वो फीता रखा हुआ है, इसकी शान ज़्यादा इसकी कम, हम इस चीज़ पर डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में उनके मुताबिक जिस तरह फरमा दिया है वो सबके सामने है। नाज़रीन मुकर्रम चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ और तज़ीम मुस्तफ़ा पे इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू सुनते हैं। बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक सूरह फतह में अल्लाह ताला फरमाता है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहू बुकरतन व असीला। फरमाया लोगो, तुम मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की तज़ीम व तौक़ीर करो। अब यहाँ पर इस आयत करीमा में अल्लाह करीम ने फरमाया कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की तज़ीम व तौक़ीर करो, तो तज़ीम व तौक़ीर का जो मुफस्सरीन ने माना लिखा है आई तुबालिगूहु, यानी नबी पाक की शान में मुबालगा से काम लो। और फिर मुबालगा की लिमिटेशन क्या है, कहाँ तक मुबालगा आ रही जायज़ है, तो उसका भी हमारे असलाफ ने, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताया कि दा मद्दातुन्नसारा फ़ी नबी जी हिमी वहकुम बिमा शेता मदहन फ़ी वाहताकिमी फ़इन्ना फ़दल रसूलिल्लाहि लैसा लहु हद्दुन फ़युरिबु अन्हु नातिकुम बिफ़मी। इमाम बुसीरी वो इमाम हैं कि जिसको रसूलुल्लाह ने ख्वाब में अपनी मुबारक चादर अता फरमाई थी, इसी नस्बत से आपके मुबारक कसीदे को कसीदे बुर्दा शरीफ कहा जाता है। तो उसके अंदर शेर मौजूद हैं, फरमाते हैं रसूलुल्लाह के बारे में दो चीज़ें नहीं कहनी, एक रब नहीं कहना, एक रब का बेटा नहीं कहना, बस। फरमाया इसके अलावा फ़इन्ना फ़ज़ला रसूलिल्लाहि अलैहि सल्लम हद्दुन, फरमाया अगर सारी कायनात अगर जमा हो जाए, बल्कि इसमें शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात से आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह की तज़ीम व तौक़ीर का जहाँ मसला है और आपकी शान का मसला है, फरमाया सारी कायनात के अफराद लोग लिखने के लिए बैठ जाएं रसूलुल्लाह की तज़ीम और रसूलुल्लाह की शान को, और सारी दुनिया के समंदर, दरिया, नहरें स्याही बना दिए जाएँ, और सारी दुनिया के दरख्त कलम बना दिए जाएँ। फरमाया अल्लाह की कसम है लिखने वाले थक जाएँगे और कलम टूट जाएंगे, स्याहियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मगर मेरे नबी की शान का एक बाब भी पूरा नहीं होगा। और नबी अलैहिस्सलाम ने जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था, फरमाया अबू बकर, तो मेरे लड़कपन बचपन और शुरू से लेकर एंड तक तो मेरा यार रहा, एक सेकंड के लिए भी तूने जुदाई बर्दाश्त ना की। फरमाया अबू बकर, अल्लाह की कसम है अल्लाह ने मेरी शान को 70,000 पर्दों में छुपा कर भेजा है। और मुल्ला अली क़ारी फरमाते हैं, फरमाया जो 70,000 पर्दों में रसूलुल्लाह की शान को छुपा के भेजा गया, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन शानों में से अगर एक पर्दा हटा दिया जाए, फरमाया अल्लाह की कसम है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी लिया जाए, फरमाया कि अल्लाह की कसम है रसूलुल्लाह का नाम सुन के मुर्दा हड्डी भी ज़िंदा हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कसीर तादाद में वाक़यात मौजूद हैं, बुखारी शरीफ का वाक़या मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए अपने मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमाने के लिए, एक खजूर का पिलर था जो बिलक बिलक के रो रहा था, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान दाएं बाएं देखते थे कि रोने वाला कौन है, रोने वाला नज़र नहीं आता था मगर रोने की आवाज़ें आती थीं। कुर्बान जाएं लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, जाकर उस खजूर के पिलर से जाकर बात की, फरमाया क्या हुआ, अर्ज़ किया रसूल अल्लाह पहले आप मेरे साथ टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमाते थे, आज आप मुझे दागे मुफारकत दे गए हैं, मुझसे जुदा हो गए हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया अब तू क्या चाहता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू चाहता है तुझे मैं यहाँ पे खड़ा करके क़यामत तक तू जिंदा एक क़यामत तक जहाँ कायम दायम रहे, या तू जन्नत में जाना चाहता है, तो अर्ज़ किया रसूल अल्लाह मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, वो जो पिलर था वो मेरे पाक नबी की जुदाई में रो रहा था,
मैं पूछता हूँ उस पिलर को किसने बताया था, ए पिलर ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है जिसके सदके कायनात की बज़म सजी है, यकीनन और कोई ज़र्रा ऐसा नहीं है जो रब की तौहीद को तो जानता हो मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत को न जानता हो। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ़ है। मैं आखिरी बात अर्ज़ करके जा चाहता हूँ, बड़ा मशहूर वाक़ है जब अबू जाल बारगाह मुस्तफ़ा में आया था और उसने कंकरी हाथ में ली हुई थी और उसने कहा था, ए मोहम्मद तू गैब की खबरें बताता है, तू पसे दीवार बातें बताता है, बता मेरी इस मुट्ठी में क्या है। मेरे नबी ने फरमाया था, ए अबू जहल मैं बताऊँ ये चीज़ क्या है या तेरी मुट्ठी वाली चीज़ बताए मैं क्या हूँ। वो अबू जहल बड़ा हैरान हुआ, ये कैसे पॉसिबल है, बेजान है, बेअक्ल चीज़ है, इसमें तो कोई अक्ल नहीं है, कोई पहचान की कोई चीज़ नहीं है, अरे मोहम्मद ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है कि कंकरियाँ बोल उठें। अभी मेरे नबी ने फरमाना ही था, वो कंकरें भी कहती थीं, नहनु नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फरमाया कि ऐ अबू जहल हम सारी कंकरियाँ ये सारे पत्थर गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी कायनात अल्लाह ताला ने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की तज़ीम और रसूलुल्लाह की शान के सदके कायनात की बज़म सजी है। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे मुफ्ती बिलाल रज़वी साहब, माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू फरमा रहे थे। नाज़रीन मुकर्रम तज़ीम मुस्तफ़ा जी हमारे ईमान का हिस्सा है और इसके बगैर तो हम मुसलमान हो ही नहीं सकते। जिस तरह फरमा रहे थे हुज़ूर ने फरमाया कि तुम माल जान औलाद हर चीज़ से बढ़कर जब तक मुझसे मोहब्बत ना करो तब तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। वक्त की किल्लत है, मैं मुल्तमिस हूँ, मेरे जनाब कारी वक़ास साहब इंशाल्लाह हुज़ूर की बारगाह में अपनी नौकरी पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह जी। जनाब फातिमा का नूर है जिंदा, जनाब फातिमा का नूर है जिंदा, है जिसका पाक लहू पाक लहू है वही पुकारेगा, क्योंकि हर कोई कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद, क्योंकि हर कोई कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। समा ना याद है
और हजरत असगर को या तीर खाना गोद में हजरत असगर को या तीर खाना गोद में नहर पर लफ्ज की सूरत में एहसास लिखा जाता है, जो तिश्ना लब हो उसे प्यास लिखा जाता है। मेरे जज्बात से वाकिफ है कलम भी मेरा, बावफा लिखता हूँ अब्बास लिखा और नहर पर अब्बास का से है निस्बत तेरी और नाती के कुरान तू कुरान से है निस्बत तेरी और नाती के कुरान तू नो किन सा पर तेरा कुरान सुनाना याद है नो किन सा पर तेरा कुरान सुना सुबहानल्लाह माशाल्लाह। हाफिज वकास कादरी कलदरी साहिब बुजुर्ग के अहले बैत से अपनी मोहब्बत का इजहार फरमा रहे थे नात की सूरत में। कोई नसर की सूरत में करता है, कोई नज़म की सूरत में करता है, कोई बयान की सूरत में करता है, ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है। हज़रत मुकर्रम, इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मैं मुफ्ती साहब से इल्तिमास करूँगा कि क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम सीरत रसूल है, तो सीरत रसूल के हवाले से सिर्फ एक दो मिनट के अंदर कुछ भी आप जो भी पैगाम देना चाहते हैं नाज़रीन को वो दें, उसके बाद इंशाल्लाह। जी, चूँकि आज का हमारा मौजू सुखन जो है वो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान मजीद कुरान रशीद में अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फरमाया लोगो तुम्हारे लिए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की जो मुबारक ज़िंदगी है ये अमली नमूना है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की बारगाह में मकाम महबूबियत पर फ़ायज़ हूँ और अल्लाह की हमें क़ुर्बत नसीब हो, फरमाए फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का दामन थाम लो। जो शख्स दामन मुस्तफ़ा थाम लेता है उसकी दुनिया भी संवर जाती है और उसकी आखिरत भी संवर जाती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, जब तक था मेरे हाथ में मेरे मुस्तफ़ा का दामन, जब तक था मेरे हाथ में मेरे मुस्तफ़ा का दामन, पाँव चूमती थी ये मेरा गर्दिश ज़माना। तो सामिन मोहतरम, कोई शख्स भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेनियाज होकर या आपके रास्ते से हटकर अल्लाह की कुर्बत हासिल नहीं कर सकता। कुरान मजीद का वाज़ ऐलान है قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم। फरमा महबूब, आप इनको ऐलान फरमा दीजिए, अगर तुम
अल्लाह की बारगाह में मकाम महबूबियत पे आना चाहते हो तो फिर आओ, मेरे महबूब का दामन थामो, मेरे महबूब की सीरत पढ़ो और उस पे अमल पैरा हो जाओ। फरमाया, मैं तुम्हारी दुनिया भी संवारूँगा, तुम्हारे गुनाह भी माफ़ करूँगा, तुम्हारी आखिरत भी संवारूँगा। तो सामीन मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर अमल करके ही हम अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने पाक नबी की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। नाज़रीन मुकर्रम, आज हर बंदा कामयाब होना चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ। तो जो बंदा चाहता है कि मैं ज़िंदगी में, दुनिया में भी कामयाब हो जाऊँ और आखिरत में भी कामयाब हो जाऊँ, क्योंकि ये तो चंद सालों की ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी इसके बाद शुरू होने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो जो इंसान दुनिया में कामयाब होना चाहता है उसे चाहिए कि हुजूर की सीरत पर अमल करे। नाज़रीन मुकर्रम, इसी के साथ हमारे आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।